हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग स्टडी एट होम. यू ऑल नो दैट वी हैव कम्प्लीटेड टू पार्ट्स ऑफ आवर थर्ड चैप्टर. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड पार्ट ऑफ आवर सेकेंड चैप्टर. फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर. ओके, किसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन? डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. यू ऑल नो वेरी वेल वॉट इज़ नेचुरल फाइबर एंड वॉट इज़ सिंथेटिक फाइबर. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज एब्जॉर्ब ए ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर. सिंथेटिक नेचुरल जो फाइबर होता है एब्जॉर्ब मीन्स होता है सोखना, और ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर मीन्स अच्छी मात्रा में. नेचुरल फाइबर अच्छी मात्रा में पानी सोखते हैं. डू नॉट एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ वाटर. सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा मात्रा में या अधिक मात्रा में पानी नहीं सोखते हैं. नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. नेचुरल फाइबर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो नेचुरल फाइबर को देखते हुए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे आर लेस इलास्टिक एंड नॉट फ्लेक्सीबल. ये इलास्टिक और फ्लेक्सीबल कम होते हैं, मीन्स खींचने वाले या रबर की तरह, मतलब खींचने पर बढ़ जाने वाले, या फ्लेक्सीबल मीन्स जैसे सिकुड़ना या बढ़ जाना, ये भी कम होते हैं. इलास्टिक एंड फ्लेक्सीबल. सिंथेटिक फाइबर इलास्टिक और फ्लेक्सीबल दोनों होते हैं. ओके, फोर्थ इज बाय बर्निंग कन्वर्ट इनटू एस डायरेक्टली. एस मीन्स होता है रॉक. जैसे हम नेचुरल फाइबर को जलाते हैं ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रॉक में. ओके, दे आर फर्स्ट मेल्ट एंड आफ्टर बर्न. जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो पहले मेल्ट होते हैं और उसके बाद जलते हैं. ड्यूरिंग बर्निंग दे गिव हेयर लाइक स्मेल. जब नेचुरल फाइबर को जलाया जाता है तो जैसे बाल जलने पे स्मेल आती है ना, वैसे स्मेल आती है. दे गिविंग प्लास्टिक लाइक स्मेल. जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं अगर उनको जब जलाते हैं तो ये प्लास्टिक के जलने जैसे स्मेल देते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक. ओके, वी यूज ए लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स और थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक इन एवरी डे लाइफ. यू ऑल नो दैट सम ऑफ द आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक विच आर यूज बाई अस इन आवर एवरी डे लाइफ आर प्लास्टिक बैग्स, वाटर बॉटल्स, बकेट्स, मग्स, वाटर टैंक्स, वाटर पाइप्स, बॉल पॉइंट पेंस, कॉम्स, टूथ ब्रशेज, टॉयज, शूज, इट्स. यस और नो? ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ना हम, जो प्लास्टिक से बनी होती हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ प्लास्टिक. प्लास्टिक आर पॉलीमर्स मेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मोनोमर्स जॉइंट टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन. प्लास्टिक एक लॉन्ग चेन होती है जिसमें काफ़ी मात्रा में छोटे छोटे मोनोमर्स एक दूसरे से जॉइन होते हैं. कार्बन कंपाउंड्स आर मोनोमर्स ऑफ प्लास्टिक. कौन से कंपाउंड होते हैं मोनोमर? मोनोमर क्या होता है प्लास्टिक का? कार्बन कंपाउंड. दैट आर ऑब्टेंड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स. और कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है ये कार्बन कंपाउंड? कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? पेट्रोकेमिकल्स. ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिसिटी. द प्रॉपर्टी विच ए सब्सटेंस कैन बी इजिली मोल्डेड और ड्रॉन इन टू फाइबर्स ऑन हीटिंग कॉल्ड प्लास्टिसिटी. प्लास्टिक की या किसी भी चीज़ की वह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा उसे इजीली मोल्ड किया जा सकता हो और फाइबर के रूप में भी, मतलब पतले फाइबर टाइप जिमें थिंग में कन्वर्ट किया जा सके उसे गर्म करने पे, है ना, वो प्रॉपर्टी कहलाती है प्लास्टिसिटी. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लास्टिक. कितने विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक, कौन कौन सी प्लास्टिक्स होती है, कितनी इसकी वेराइटीज होती है. फर्स्ट इज पॉलीथीन, पॉली प्लस एथेन. ओके, इट इज़ ए थर्मोप्लास्टिक. ये एक थर्मोप्लास्टिक है. इट्स मोनोमर इज एथेन. मोनोमर क्या है इसका? एथेन. इट इज़ यूज फॉर मैक कैरी बैग्स. क्या बनाने में यूज़ की जाती है ये पॉलीथीन? कैरी बैग्स आते हैं ना, कैरी बैग्स हम देखते हैं, आप मार्केट से जो भी सामान वगैरह आप लाते हैं तो कैरी बैग्स में डाल के लाते हैं ना, तो वो पॉलीथीन होती है. ठीक है, मोनोमर एथेन. ओके, और यह एक थर्मोप्लास्टिक है. नेक्स्ट प्लास्टिक आती है पॉलीप्रोपेन. ओके, पॉली प्लस प्रोपेन. इट इज थर्मोप्लास्टिक. यह भी एक थर्मोप्लास्टिक है. मोनोमर प्रोपेन
इट्स मोनोमर इज प्रोपेन. इट इज़ यूज टू मेकिंग पैकिंग मटेरियल्स. जितने भी पैकिंग मटेरियल्स होते हैं वो कौन सी प्लास्टिक होती है? पॉलीप्रोपेन. नेक्स्ट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पीवीसी. सुना होगा आपने, पाइप्स वगैरह बने हुए आते हैं, हम घरों में भी बोलते हैं पीवीसी. इट इज़ थर्मोप्लास्टिक. इट्स आल्सो थर्मोप्लास्टिक. इट्स मोनोमर इज विनाइल क्लोराइड. इसका मोनोमर होता है विनाइल क्लोराइड. इट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स, पाइप्स, ठीक है, गार्डन होजेज, मीन्स गार्डन में जो यूज़ होते हैं पाइप वगैरह, पानी के पाइप आते हैं ना, वो, रेनकोट, सीट कवर्स, इट्स. ओके, नेक्स्ट इज बैकलाइट. इट इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. इट इज़ आल्सो ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. इट इज़ हाईली रेजिस्ट अगेंस्ट हीट. ये जो हीट होती है अपनी, उसके प्रति बहुत विरोधी होती है, मीन्स हीट से ये कम इफेक्टेड होती है, हीट का प्रभाव इस पर कम पड़ता है. इट इज़ यूज टू मेक हैंडल्स, स्विचेज, इट्स. इसलिए इसे हैंडल्स, स्विच वगैरह, प्लग वगैरह, जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं. नेक्स्ट इज नाउ मेलामिन. इट इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. इट इज़ आल्सो ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. इट इज़ ड्यूरेबल, रेजिस्ट अगेंस्ट हीट और फोर्स. ये भी ड्यूरेबल होती है, किसके अगेंस्ट? हीट और फोर्स. इट इज़ यूज टू मेक डिनर सेट्स. इससे क्या बनाए जाते हैं? डिनर सेट्स. नेक्स्ट इज टेफ्लोन. इट इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. इट इज़ आल्सो ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. ये बहुत ही महंगी होती हैं. इट इज़ यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स. जितने भी नॉन स्टिक कुकवेयर्स आते हैं अपने रसोई के, जो किचन में हम यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स वगैरह, वो इसी से बनाए जाते हैं. कौन सी प्लास्टिक होती है? वो टेफ्लोन, और ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ प्लास्टिक. देर आर टू काइंड्स ऑफ प्लास्टिक, मीन्स कितने प्रकार की होती है, वेराइटीज़ हमने पढ़ ली, अब काइंड्स पढ़ेंगे, है ना. थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. देर आर टू टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ प्लास्टिक. फर्स्ट थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट थर्मोप्लास्टिक. दैट इज ईजिली मेल्टेड ऑन हीटिंग एंड बिकम्स हार्ड ऑन कूलिंग कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक. वह प्लास्टिक जो इजीली मेल्ट हो जाती है और ठंडी होने पे हार्ड हो जाती है और कहलाती है थर्मोप्लास्टिक. ए प्लास्टिक विच कैन बी सॉफ्टन रिपीटेडली बाय हीटिंग एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स अगेन एंड अगेन. वह प्लास्टिक जो आसानी से मेल्ट हो जाती है और उसको बार बार अलग अलग शेप्स में जिसको बनाया जा सकता है. जैसे काफ़ी हमारे प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं जो अपने घर पर आता है ना, कबाड़ी वाला, वो ले जाता है. क्यों ले जाता है वो, क्या करता है उनका? क्योंकि उनको वापस मेल्ट करके और कई प्रकार के आर्टिकल्स उनसे बनाए जा सकते हैं, तो वो प्लास्टिक कहलाती है थर्मोप्लास्टिक. मीन्स जिसे गला के मेल्ट करके बार बार अलग अलग आइटम्स जिससे बनाए जा सके, वो कहलाती है थर्मोप्लास्टिक. इट इज़ फ्लेक्सिबल सो दे कैन बी बेंट ईजिली विदाउट ब्रेकिंग. ये फ्लेक्सिबल होती हैं जो इससे इसको ईजिली बेंड कर सकते हैं, बिना टूटे ये बेंड हो सकती है. थर्मोप्लास्टिक आर आल्सो नोन एज थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक. इसको थर्मोसॉफ्ट प्लास्टिक भी कहते हैं. सॉफ्ट होती है ना, इजिली मेल्ट हो जाती है, बेंट हो जाती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, मीन्स पॉलीथीन और पीवीसी, ये दोनों क्या है? थर्मोप्लास्टिक. सी दीज डायग्राम्स, दीज ऑल आर मेड बाई थर्मो प्लास्टिक, है ना, या थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक. सम ऑफ द आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मो प्लास्टिक, जैसे कॉम हो गया, बैग हो गया, अपने ये कंटेनर्स हो गए, टॉयज़ वगैरह हो गए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वायर्स आती है वो हो गई, है ना. ये सारी कौन सी प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? नाउ नेक्स्ट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. विच प्लास्टिक वन सेट, वह प्लास्टिक जो एक बार सेट हो जाती है, डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी मोल्डेड सेकेंड टाइम, कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. मीन्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होती है जो एक बार बन जाने के बाद ना ही तो बैंड होती है, ना ही मोल्ड की जा सकती है ना. नाम से ही समझ आ रहा है, थर्मोप्लास्टिक तो इजीली मोल्डेड, बैंडेड वगैरह होती है, और थर्मोसेटिंग मीन्स सेट हो गई जो एक बार, बस वैसे की वैसे ही वो रहती है, उसको बार बार हम मेल्ट, बैंड वगैरह नहीं कर सकते हैं. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर हार्ड एंड रिज्ड.
ये बहुत ही हार्ड होती है एंड रिज्ड होती है. रिज्ड मीन्स कठोर होती है, ये बहुत ही ये कठोर होती है. इट इज़ नॉट फ्लेक्सीबल एंड कैन नॉट बैंड. ये ना ही तो फ्लेक्सीबल होती है और ना ही ईजिली बैंड की जा सकती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल पेकलाइट एंड मेलामाइन, सॉरी मेलामिन. ये दोनों एग्जाम्पल्स है किसके? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के. सी दीज आर्टिकल्स, देर आर सम आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ओके, फोन वगैरह हो गया आपने, यूटेंसिल्स हो गए, प्लग, स्विचेस, फ्राइंग पैन्स, है ना. ये सारे आर्टिकल्स कौन सी प्लास्टिक से बने? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? और रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, वॉच वीडियो केयरफुली. थैंक्स एंड हैव ए वंडरफुल डे.